बच्चों, आप जानती हैं कि प्रजनन से ही जो जीव होते हैं ये अपने ही जैसे जीवों को पैदा करते हैं। जैसे कि बबूल के पेड़ से बबूल के बीज निर्माण होते हैं और बबूल के बीज से बबूल का पेड़ ही निपटता है। ऐसे ही आम के पेड़ से आम के बीज का निर्माण होगा और आम के बीज से आम के पेड़ बनेंगे। वैसे ही बकरी से बकरी का बच्चा पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा पैदा होगा। तो ये जो नए जीव पैदा हो रहे हैं, जैसे कि बबूल का पेड़, आम का पेड़, बकरी का बच्चा या मनुष्य का बच्चा, तो ये जो जीव है ये अपने जनक से समानता रखते हैं। जनक से मतलब जिनसे इनका जन्म हुआ है, इनसे ये समानता रखते हैं, तभी तो हम इन्हें पहचान पाते हैं कि हाँ ये बबूल का पेड़ है, ये आम का है, ये बकरी है या ये मनुष्य है। तो ये जो लक्षण है जो इनके जनक से संतान में पहुँच रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से ये जो लक्षण है दूसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं, ये लक्षण कैसे पहुँचते होंगे? क्या ये जो नए जीव पैदा हो रहे हैं ये अपने माता पिता से कोई समानता के साथ साथ विभिन्नता भी रखते होंगे? ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आज के अध्याय में हम जानेंगे। और आज का हमारा अध्याय है आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक। आनुवंशिकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। तो बच्चों, जीवों में समानता के साथ साथ हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। आप इस क्रियाकलाप को अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों के साथ करके देखिए। जीवों में समानता एवं विभिन्नता, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म। जंतुओं में उदाहरण मनुष्य। क्रियाकलाप एक, पिछली कक्षा में आपने अपने दोस्तों के साथ तुलना करके कई समान तथा भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था। अब आप अपने परिवार में ऐसे लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और स्वयं के लक्षणों के आधार पर दी गई सारणी में सही का चिन्ह लगाएं। सारणी देखकर बताएं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आप में और आपके माता पिता दोनों में हैं। क्या कोई लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक में है जो आपके माता पिता और आप में भी है? ऐसे कौन कौन से लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी किसी एक में है और आप में भी है पर आपके माता पिता में नहीं है? ये लक्षण आप में कैसे आए होंगे? आपने देखा कि कुछ लक्षण आपके पूर्वजों से आप तक पहुंचे। इस प्रकार लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी हेरिडिटी कहलाता है। सारणी में आपने यह देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवार जनों में नहीं है पर आप में है। इसी प्रकार एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है वे विभिन्नताएं वेरिएशन हैं, और इसके बारे में हमने अध्याय एक में पढ़ा है। अब क्रियाकलाप में क्या एक सारणी दी हुई है? इस सारणी में कुछ लक्षण दिए हुए हैं और उन लक्षणों को आपको देखना है कि वे लक्षण जो है आप में है, मतलब आप में स्वयं में है वे लक्षण, आपके माता पिता में है या आपके दादा दादी या नाना नानी में है, या ऐसे ही कोई लक्षण आपके भाई बहन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ढूंढ कर निकालना है। तो ये लक्षण कौन से हैं? जैसे कि आँख के पुतली का रंग। आँख की पुतली का रंग काली रंग की भी हो सकती है, भूरी, हरे रंग की भी हो सकती है, अन्य कोई रंग की भी आपको अगर दिखाई दे तो उसको आपको नोट करना है कि अगर आपके फैमिली में काले रंग की आँख की पुतली दिखाई दे रही है तो आप नोट करिए कि आपके माता पिता में भी वैसा ही कलर है, या आपके भाई बहन में है, या आपके दादा दादी नाना नानी में वैसे ही रंग की पुतली दिखाई दे रही है। इसे आपको नोट करना है कि किस किस में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दूसरा लक्षण है टुड्ढी में गड्ढा। तो आपने देखा होगा अक्सर किसी किसी के फैमिली में टुड्ढी में गड्ढा
दिखाई देता है। तो आपको देखना है कि क्या ये गड्ढा आपके परिवार के सभी सदस्यों में है कि केवल आप में है, या आपके दादा दादी नाना नानी में है लेकिन आपके माता पिता में नहीं है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ऐसे ही तीसरा लक्षण है जीभ का गोल मुड़ना। तो ये आपको देखना है कि आपके फैमिली में ऐसा होता है कि जीभ गोल मोड़ सकते हैं सभी सदस्य, तो ये भी आपको नोट करना है। चौथा है पैर की दूसरी उंगली। तो आप देखेंगे दूसरी पैर की जो उंगली है क्या ये बड़ी है या छोटी है या बराबर है, अंगूठे से बड़ी है या अंगूठे से छोटी है या उसके बराबर है, ये आपको नोट डाउन करना है। ऐसे एक लक्षण है कर्ण और या हम कहते पाली। तो आप देखेंगे कान का ये जो हिस्सा होता है ये किसी किसी का चिपका हुआ रहता है, किसी किसी का चिपका हुआ नहीं रहता, मतलब स्वतंत्र रहता है। तो ये भी आपको नोट करना है कि आपके फैमिली में इस प्रकार के लक्षण किन किन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी है पंजे के अंगूठे को पीछे की ओर मोड़ सकना। क्या ऐसा आपके फैमिली के सभी सदस्य कर पाते हैं या कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा भी आप कोई और लक्षण भी ले सकते हैं, जैसे आपके फैमिली में बालों का रंग हो सकता है एक जैसा सबका हो, या बालों का जो टेक्सचर होता है वो एक जैसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आपके फैमिली में आप देख सकते हैं, और इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आप में है और आपके माता पिता में भी है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई लक्षण आपके दादा दादी या नाना नानी में है, और वही लक्षण आपके माता पिता में भी है, और वही लक्षण आप में भी है। या आपको ये बताना है कि ऐसे कोई लक्षण है जो आपके दादा दादी में भी नहीं है, आपके माता पिता में भी नहीं है, लेकिन वो लक्षण आप में है। अब प्रश्न ये है कि ये जो लक्षण है ये आप तक कैसे पहुंचे होंगे। तो बच्चों जब इन प्रश्नों के उत्तर आप निकालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जो आप में हैं, आपके माता पिता में हैं, आपके दादा दादी में हैं, कौन से लक्षण हैं जो दोनों में नहीं है लेकिन वो आप में हैं, तो इन प्रश्नों के जब आप उत्तर निकालेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो लक्षण है ये आपके पूर्वज से मतलब आपके दादा दादी नाना नानी से ये आप में पहुँचे हैं, मतलब एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में पहुँचना ही बच्चों आनुवंशिकी या हेरिडिटी, या इसी को हम कहते हैं वंशांगति कहलाता है। तो ये दो नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है कि आनुवंशिकी हम किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। अब हमने एक बात की थी, एक प्रश्न था कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो आपके दादा दादी में नहीं है, आपके माता पिता में नहीं है, लेकिन वो लक्षण आप में आया है। हो सकता है आंखों की पुतली का रंग आपके दादा दादी का वैसा नहीं हो, आपके माता पिता पर के वैसा नहीं हो, लेकिन आपके आंखों की पुतली का रंग एकदम अलग है। तो ये जो अलग लक्षण आप में दिखाई दे रहा है, ये जो अंतर आप में दिखाई दे रहा है, यही अंतर है विभिन्नता, जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो माता पिता से समानता के बावजूद जो अंतर आप में दिखा या जो अंतर आप में पाया जाता है उसी को हम कहते हैं विभिन्नताएं, वेरिएशंस। अब ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है, एक वंशांगत विभिन्नता और दूसरी है उपार्जित विभिन्नता। वंशांगत विभिन्नता मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं, जैसे कि टुड्डी में गड्ढा या बालों का रंग, त्वचा का रंग एक जैसा हो सकता है क्योंकि आपके फैमिली में आपके पूर्वजों में वैसा ही है इसलिए वो लक्षण आप में पहुंचा। तो इस प्रकार के जो लक्षण है या इस प्रकार की जो विभिन्नता है इसे हम कहते हैं वंशांगत विभिन्नता है,
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रही है। लेकिन ऐसी विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो विभिन्नता आप में दिखाई दे रही है, जैसे कि मोटापा, हो सकता है आपके फैमिली में वो लक्षण नहीं है किसी में, लेकिन किसी कारण से वो आप में दिखाई दे रहा है। कोई वातावरणीय कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये अंतर आप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो विभिन्नताएँ होती है ये उपार्जित विभिन्नता कहलाती है, या कोई चोट का निशान भी हो सकता है। ये भी जो विभिन्नता होंगी ये क्या होंगी, उपार्जित विभिन्नता है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच रही है। तो बच्चों ये जो विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं, मनुष्य में समानताओं के साथ साथ अंतर भी दिखाई दे रहा है जिसको हम विभिन्नता कहते हैं। तो क्या समानता और विभिन्नता पेड़ पौधों में भी दिखाई देती है? बिल्कुल हाँ, पेड़ पौधों में भी, एक ही जाति के अगर पेड़ पौधों की बात करें तो उनमें समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाया जाता है। जैसे आप किसी पेड़ की, जैसे यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, आम के पेड़ की बात करें तो आम के पेड़ को आप पहचान लेते हैं क्योंकि इसके जो पत्ती का आकार है, हर आम के पेड़ जो होते हैं इनकी पत्ती का आकार एक जैसा होता है, जिसके कारण हम इन्हें पहचान पाते हैं कि ये आम का पेड़ है। जैसे फूलों की संरचना, जैसे आप गुड़हल के पौधे देख रहे हैं, इनकी फूलों की संरचना लगभग एक जैसी है, तो हम पहचानते हैं कि हाँ ये गुड़हल के पौधे हैं। तो एक ही जाति के पौधों में समानता तो दिखाई दे रही है, लेकिन समानता के साथ साथ अंतर भी होता है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियां ढूंढ के निकालिए, तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई देगा, और ये अंतर जो होता है इसी को हम कहते हैं विभिन्नता। तो क्या एक ही पौधे के दो बीज एक जैसे होंगे? आप करके देखिए। पौधों में भी इसी प्रकार कई समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं, जैसे पत्तियों का आकार, फूलों की संरचना आदि, एक जैसे होने के बावजूद कई भिन्नताएं होती हैं, जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियां ढूंढ नहीं पाते। क्या एक ही पौधे के दो बीज एक समान होंगे? क्रियाकलाप दो, एक मटर या सेम की फली के बीजों का अवलोकन करें। क्या फली में दो समान बीज दिख रहे हैं? उन बीजों में क्या क्या भिन्नताएं हैं? हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग अलग गुण वाले कई किस्म के पौधों को विकसित किया। लोगों को पता था कि एक पीढ़ी के कई गुण दूसरी पीढ़ी या आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रकट होते हैं, मगर सवाल यह था कि अलग अलग गुण पैदा कैसे होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। मटर की फली को लीजिए या सेम की फली को लीजिए और उसको खोल के देखिए, क्या मटर की फली के दो बीज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसी सेम के फली में आप करके देखिए तो आप देखेंगे कि हूबहू एक जैसे नहीं है, कुछ न कुछ अंतर उनमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही विभिन्नताओं का अध्ययन हजारों वर्षों से हो रहा था, और ये जो विभिन्नता वाला जो गुण है, इस गुणों के आधार पर पौधों की कई किस्मों का निर्माण किया गया। और लोगों को ये पता था उस समय कि ये जो लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या आने वाली पीढ़ी में कभी ना कभी ये जो गुण है या लक्षण है ये प्रकट होते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते होंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान। तो बच्चों 19वीं शताब्दी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण या लक्षण पहुँचते हैं इस पर काफ़ी अध्ययन हो रहा था, और डार्विन ने भी इन विभिन्न लक्षणों के बारे में बताया था और उन्होंने विकास का सिद्धांत भी दिया था। और डार्विन
और उस समय के कई वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे थे कि जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। लेकिन उस समय एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बताया था। बच्चों, ये जो मेंडल थे इनका जन्म ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। मेंडल जो थे एक मठ में पादरी थे और बचपन से ही उन्हें बागवानी में काफ़ी रुचि थी और अपने मठ में भी तरह तरह के पौधों को उगाते थे और उस समय उन्होंने मटर के पौधे पर भी प्रयोग शुरू किए थे। 1856 में मटर के पौधे पर वे प्रयोग करते रहे और ये प्रयोग उन्होंने 12 साल तक किया और मटर के पौधे पर उन्होंने 10,000 प्रयोग किए। मटर के पौधे के अलावा अन्य पौधों पर भी वे प्रयोग करते रहे। अब जो भी प्रयोग वे करते थे उसका जो भी परिणाम या रिजल्ट निकलता था उसका वो एक लेखा जोखा तैयार करते थे। एक लेखा जोखा वो तैयार करते थे और जो भी रिजल्ट और परिणाम हैं उन्हें उस समय के जो वैज्ञानिक या वनस्पतिविद है उन्हें पत्राचार के द्वारा अपना रिजल्ट या जो भी उन्होंने स्टडीज की है उसके बारे में बताते थे। मेंडल ने उस समय डार्विन के प्रयोगों को भी अच्छे से पढ़ा, उसका अध्ययन किया और उनका विश्लेषण भी किया ताकि उन्हें अपने प्रयोग करते समय आसानी हो। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने गणितीय गणनाओं को भी सम्मिलित किया। मतलब जो भी वो रिजल्ट उनका निकलता था उनका कैलकुलेशन भी वे करते थे, तो कैलकुलेशन को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया उस समय और कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की क्योंकि वे बायोलॉजी मतलब पेड़ पौधों पर प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने उसमें गणित को भी शामिल किया था। तो मेंडल के क्या प्रयोग थे और उनका क्या उद्देश्य था? तो बच्चों, मेंडल उस समय एक ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो विपरीत लक्षणों के लिए लागू हो सके। विपरीत लक्षण मतलब जैसे मटर के पौधे के हरे बीज है और मटर के पौधे के पीले बीज है, तो ये विपरीत लक्षण हुआ। या मटर के पौधे के बैंगनी फूल है, ऐसे मटर के पौधे के सफ़ेद फूल है, तो ये क्या हुआ? विपरीत लक्षण। तो इन विपरीत लक्षणों पर वो काफ़ी जोर दे रहे थे और इन विपरीत लक्षणों पर वे एक नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही उस समय वे ये जानने का प्रयास भी कर रहे थे कि ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं तो विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं, तो ये जो विभिन्नताएं होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितनी विभिन्नताएं पहुंचती हैं ये भी जानने का वे प्रयास कर रहे थे। उस समय उन्होंने मधुमक्खियों पर भी काफ़ी प्रयोग किए, लेकिन मधुमक्खी या जंतु पर प्रयोग करना इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें संभालना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने जो प्रयोग है पेड़ पौधों पर ही करना उचित समझा क्योंकि पेड़ पौधों को संभालना आसान था। तो बच्चों, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधों पर ही उन्होंने काफ़ी समय तक प्रयोग किया। अब प्रश्न ये आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया, क्या कारण होंगे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना? बच्चों, मटर, ये देखिए मटर, मटर का पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम। इसको चुनने के पीछे कुछ कारण थे जिसमें पहला कारण ये था कि जो मटर का पौधा होता है ये एक वर्षीय पौधा है, इसका मतलब इसका जो जीवन चक्र है बहुत ही छोटा है
और इसका अध्ययन अनेक पीढ़ियों तक आसानी से वे कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। एक वर्षीय मतलब एक साल में ही मटर के पौधे में बीज लग जाएंगे, फूल भी देख सकते हैं। तो क्या होगा, इनका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा होने के कारण उनको जो रिजल्ट है बहुत जल्दी जल्दी मिलते थे, उन्हें बहुत अधिक साल तक इनका इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। इसकी एक खास बात थी मटर के पौधे की, जिसके कारण उन्होंने इस पौधे को चुना। दूसरा, इस पौधे में पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। तो मेंडल क्या करते थे, जब प्रयोग करते थे मटर के पौधे में पर परागण करवाते थे, मतलब एक पौधे का उमंग निकाल के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते थे। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है पर परागण, आपने पढ़ा है। तो पर परागण करने से जो पौधे बनते थे वे संकर पौधे बनते थे। तो इन पौधों में पर परागण कराना भी बहुत आसान था, इसलिए भी उन्होंने मटर के पौधे को चुना। तीसरा कारण ये था कि जो मटर का पौधा होता है सामान्यतः इसमें स्व परागण और निषेचन की क्रिया होती है, जिसके कारण जो पौधे बनते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं ये शुद्ध बने रहते हैं। एक और कारण है कि जो मटर के पौधे होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, मतलब यहाँ पर आप फूल देख सकते हैं मटर के पौधे के, बैंगनी फूल, सफ़ेद फूल। आप देखेंगे कि एक ही फूल में दोनों लिंग उपस्थित हैं, पुमंग और जायांग, एक ही पुष्प में है। इसका मतलब ये कैसा पुष्प हुआ, द्विलिंगी। ये पौधा कैसा हुआ, द्विलिंगी। और मान लिया जाए एक फूल का पुमंग को हटा दीजिए तो क्या बचा केवल उस फूल में, जायांग बचा। तो अब ये द्विलिंगी रहा क्या, नहीं, अब एक एक लिंगी के समान व्यवहार करने लगेगा। तो क्या हुआ, मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं और वे क्या करते थे, मेंडल पुमंग को हटा देते थे तो मटर के जो पुष्प है एक लिंगी बन जाते थे, पुमंग को हटा के दूसरे पुष्प के जायांग में पहुंचा देते थे परागकणों को। इस प्रकार से परागण की क्रिया होती थी। तो ये प्रयोगों में वे करते रहते थे। पांचवा पॉइंट ये है कि संकरण से जो प्राप्त संकर पौधे होते थे वो पूर्णतः जनन योग्य है, मतलब उनमें जनन करवाया जा सकता है और उनसे नए पौधों का निर्माण करवाया जा सकता था। तो ये भी एक खास बात थी मटर के पौधे की कि संकरण के बाद जो संकर पौधे बनते थे वे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं। अब मुख्य बात मटर के पौधे की ये थी कि मटर में जो लक्षण दिखाई देते थे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे और इनमें विपरीत लक्षण भी काफ़ी दिखाई देते थे। तो ये खास बात थी मटर के पौधे की, जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो आपको इनमें से चार पांच कारण लिखने होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ये विपरीत लक्षण की। तो मटर के पौधे में ऐसे कौन से विपरीत लक्षण होते हैं जिसके कारण मेंडल ने इस पौधे को चुना। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से विपरीत लक्षण हैं। जैसे पहला है बीज का आकार। तो मटर के जो पौधे होते हैं इनमें जो बीज का आकार होता है ये गोल और झुर्रीदार। तो हो गए ना विपरीत लक्षण, गोल बीज भी है और झुर्रीदार बीज भी है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं मटर के पौधे में। तो इसके कारण इस पौधे का चुनाव किया। और कौन सा लक्षण है, तो आप देखेंगे बीज का रंग। बीज का रंग, पीले रंग के बीज भी है और हरे रंग के बीज भी है। ऐसे ही पुष्प का रंग, फूल का रंग कैसा है, बैंगनी फूल भी है और सफ़ेद फूल भी है। फली का आकार, फूली हुई फली भी है और संकीर्णित फली भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही फली का रंग, हरे रंग की फली भी है और पीले रंग की फली भी है। पुष्प की स्थिति, तो मटर के जो पौधे होते हैं उनमें पुष्प की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, कक्षस्थ भी है और अग्रस्थ भी है। पौधे की लंबाई, मटर के जो पौधे होते हैं ये लंबे भी होते हैं और बौने भी होते हैं। तो बच्चों
कितने सारे विपरीत लक्षण इस मटर के पौधे में दिखाई देते हैं और इस विपरीत लक्षण के कारण ही मेंडल ने इस पौधे को चुना था और इस विपरीत लक्षणों पे वे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने अपने मठ में, अपने बगीचे में काफ़ी व्यवस्था कर रखी थी और इन पौधों पर जब वे प्रयोग करते थे तो कुछ पौधों को वे स्वपरागण होने देते थे, कुछ पौधों में वे परपरागण होने देते थे। जिन पौधों में परपरागण वे करवाते थे उन पौधों का जो अध्ययन है वे अलग से आगे बढ़ाते थे। मतलब उनमें परपरागण करवाया है कुछ पौधों में तो उन पे जो रिजल्ट आते थे उनको वो अलग से नोट डाउन करते थे। ऐसी जिन पौधों पर वे स्वपरागण कराते थे उनका जो भी परिणाम आता था उनको वे अलग से नोट डाउन करते थे, उन पर अलग से प्रयोग करते थे। तो इन पौधों से प्राप्त जो बीज उनको मिलते थे, तो बीज कितने मिल रहे, परपरागण से करवाने से कितने बीज प्राप्त हो रहे, स्वपरागण अगर हो रहा है तो मटर के पौधे में कितने बीज बन रहे हैं, उन सभी बीजों को वे गिनते थे और गिनने के बाद क्या करते थे, कुछ बीज को वे बोते थे और उनसे जो पौधे बनते थे उनके बारे में वो लिखते थे कि किस प्रकार के पौधे उन्हें प्राप्त हो रहे, क्या लंबे हो रहे, क्या उनकी फली हरी है, क्या फली का रंग पीला है, क्या फूल का रंग सफ़ेद है या फूल का रंग बैंगनी है। जो भी रिजल्ट उन्हें मिलता था सबको वो नोट डाउन करते थे, उसका एक लेखा जोखा वो तैयार करते थे। तो उस समय जो मेंडल थे संकर पौधों पर परागण करवाते थे। तो प्रश्न ये था कि वे संकर पौधों पर परागण क्यों करवाते थे और विपरीत लक्षण वाले गुणों का वे अध्ययन क्यों कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे मेंडल के प्रयोगों की, किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था। तो बच्चों मेंडल जो थे मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे और मटर के पौधे में उन्होंने बैंगनी किस्म के पौधे, बैंगनी फूल वाले जो किस्म के पौधे होते हैं, ऐसे ही सफ़ेद फूल वाले जो पौधे होते हैं उन पौधे के बीजों को बोया और बोकर उन्होंने पौधे तैयार कर लिए। मतलब बैंगनी फूल वाले बीज से बैंगनी फूल वाले बीज पौधों को तैयार किया, सफ़ेद फूल वाले बीज से सफ़ेद फूल वाले पौधों को उन्होंने तैयार किया और इन पौधों में उन्होंने स्वपरागण होने दिया और स्वपरागण होने के बाद जो पौधे बने उन पौधों को उनके रंग के आधार पर, मतलब अगर बैंगनी पौधे वाले बैंगनी फूल वाले पौधे मिले तो उनको अलग कर लिया, सफ़ेद फूल वाले पौधे मिले तो उन्हें अलग कर लिया, इस आधार पर उन्होंने क्या किया पौधों को छांट लिया। तो उन्होंने देखा कि बैंगनी फूल वाले जो पौधे थे उनसे जो पौधे बने ये बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए, सफ़ेद फूल वाले जो पौधे थे उनसे जो पौधे प्राप्त हुए वे सफ़ेद फूल वाले पौधे प्राप्त हुए और ये सब स्वपरागण से प्राप्त हो रहे थे। और इस प्रकार से बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे दर पीढ़ी दर यही लक्षण दर्शाते थे और इस प्रकार से इन पौधों को उन्होंने शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद किस्म माना, क्योंकि बैंगनी किस्म के जो पौधे थे ये बैंगनी फूल वाले पौधों का निर्माण कर रहे थे और सफ़ेद किस्म वाले जो पौधे थे ये सफ़ेद फूल वाले पौधों का निर्माण कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने बैंगनी को शुद्ध बैंगनी पौधे माना और सफ़ेद को शुद्ध सफ़ेद वाले पौधे माना। फिर उन्होंने क्या किया, इस शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद वाले पौधों के बीजों को बोया और बीजों को बोने के बाद उनसे जो पौधे प्राप्त हुए, ठीक है, शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद पौधों के जो बीज थे उनको बोया और उनको बोने के बाद उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को बोकर जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों के बीच में उन्होंने परपरागण करवाया।
और पर परागण करवाने के बाद जो संकर बीज बने और उनसे जो पौधे प्राप्त हुए, तो उन्होंने देखा कि सभी पौधे जो थे वो बैंगनी थे। तो कैसे करवाया होगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि बैंगनी फूल वाला पौधा है और सफ़ेद फूल वाला पौधा है। तो बैंगनी फूल वाले पौधे में, बैंगनी फूल वाला जो पौधा है ये द्विलिंगी है, ऐसे ही सफ़ेद फूल वाला पौधा भी द्विलिंगी है, मतलब एक ही फूल में दोनों जनन अंग उपस्थित है। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल ने बैंगनी फूल वाले जो बैंगनी फूल में से उन्होंने क्या किया, पुमंग को हटा दिया, मतलब पुंकेसर को उन्होंने कैंची की सहायता से काट कर अलग कर दिया। तो अब फूल कैसा हो गया, एकलिंगी हो गया। अब उन्होंने क्या किया, सफ़ेद फूल के पुंकेसर के परागकणों को बैंगनी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया, क्योंकि बैंगनी फूल में केवल वर्तिका जायांग है, मतलब मादा जनन अंग है, और नर जनन अंग को हटा दिया। और सफ़ेद फूल के जो पुंकेसर है ये नर जनन अंग है, इनके परागकणों को कहाँ पर पहुंचा दिया, बैंगनी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया। जब ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो कौन सी क्रिया हो गई, परागण की क्रिया हो गई, क्योंकि ये दूसरे पुष्प के साथ हो रही है, बैंगनी फूल के बैंगनी फूल से नहीं हो रही है, बल्कि बैंगनी फूल का सफ़ेद फूल से हो रही है। तो ये जो परागण की क्रिया है ये पर परागण कहलाई। तब परागण यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ पर क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, अंडाशय निषेचित होगा और निषेचित अंडाशय से फली का निर्माण होगा, ठीक है। अब फली से जो बीज बनेंगे, फली से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, इस फली से जो बीज प्राप्त हुए उनको उन्होंने उगाया। तो उनको उगाने के बाद उनको आश्चर्य हुआ कि जो पौधे उन्हें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए, इसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो उन्हें पौधे प्राप्त हुए, जो संतति पौधे प्राप्त हुए, सभी का रंग बैंगनी था, मतलब जो पौधे प्राप्त हुए उनमें फूलों का रंग कैसा था, बैंगनी था, जबकि परागण करवाया था बैंगनी और सफ़ेद फूल के बीच में, तो इसका कोई मिलता जुलता कलर आना था पहली पीढ़ी में, लेकिन जो रंग आया फूलों का वो कैसा आया, बैंगनी रंग आया। तो मेंडल ने इस पर विचार किया और उन्होंने सोचा कि इनका मिलता जुलता रंग क्यों नहीं आया। तो ऐसे ही वे क्या करते थे, प्रयोग करते रहे। तो जितने भी बैंगनी फूल वाले पौधे उन्हें प्राप्त हुए पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए, उनके बीच में स्वपरागण हुआ, स्वपरागण होने दिया, और स्वपरागण से जो बीज बने उन बीजों को जब उन्होंने बोया तो उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में सारे जो पौधे थे ये बैंगनी रंग के नहीं थे, मतलब कुछ पौधे उनको बैंगनी फूल वाले मिले तो कुछ पौधे उन्हें सफ़ेद फूल वाले मिले, जबकि F1 पीढ़ी में केवल बैंगनी फूल वाले पौधे मिले। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, कुछ पौधे बैंगनी फूल वाले मिले तो कुछ पौधे सफ़ेद फूल वाले मिले। तो उन्होंने उस समय 929 पौधों में देखा कि 929 पौधों में से 705 बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए और केवल 224 जो है ये सफ़ेद फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। और जब उन्होंने ये 705 और 224 का अनुपात निकाला, रेशो निकाला, तो वो आया लगभग 3.15:1, मतलब 3:1 के आसपास। तो इसी प्रकार से उन्होंने अन्य गुणों को लेकर प्रयोग किया और अन्य गुणों को लेकर प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में जो पौधे हैं वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने विपरीत लक्षणों को लेकर प्रयोग किया।